अगर आप सभी MPSI, MP कॉन्स्टेबल, RRB NTPC, MPPSC और RRB जूनियर इंजीनियर की तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से MP परीक्षा ऐप को डाउनलोड करके हमारे प्रोमो कोड SAIMGOV40 को यूज करके 40% तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम हूँ आप सभी का हमारे संडे एसआईटी टॉक के 42वें एपिसोड में हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछले सप्ताह के संडे में मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था उसका सही जवाब होगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। जिन्होंने भी सही जवाब दिया है उनके नाम की लिस्ट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से देख पाएंगे। तो आज का हमारा सवाल है, अटल आहार योजना कहां शुरू हुई है? आपको उस जगह का नाम मतलब उस स्टेट का नाम बताना है कि किस स्टेट में अटल आहार योजना को शुरू किया गया है। जवाब देने के लिए आपको इस वीडियो में कमेंट करना होगा। सही जवाब देने वालों के नाम की घोषणा अगले सप्ताह के संडे में की जाएगी। आज मैं आप सभी को इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक में एडमिशन लेने की प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप डिप्लोमा, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर PhD के कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद ही आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन की क्या प्रक्रिया है उसको बताने से पहले मैं यहाँ पर आप सभी को बता दूं, अगर आप केंद्रीय विद्यालय में बच्चों के एडमिशन कराना चाहते हैं मतलब KG1 में एडमिशन कराना चाहते हैं तो 5 से 7 साल के बच्चों का एडमिशन आप करा सकते हैं। उनके एडमिशन की प्रोसेस ऑलरेडी चालू हो चुकी है तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश के वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन में शास्त्री BA, आचार MA या फिर शास्त्री शिक्षा शास्त्र से ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो इसके लिए भी ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। इन दोनों की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां पर क्लिक करके डायरेक्टली इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक में एडमिशन के बारे में। इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश के अमरकंटक के मेन कैंपस या फिर आप मणिपुर के रीजनल कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इसका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। इसका एंट्रेंस एग्जाम आपको देना होगा। यहाँ पर आप डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD के कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए सभी को एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 15 मार्च से शुरू हो चुके हैं जिसके लिए आप आवेदन 16 मई तक कर पाएंगे। ध्यान रखें, आपको इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 15 मार्च से लेकर 16 मई के बीच में करना होगा। इसके लिए जो हॉल टिकट है मतलब एडमिट कार्ड है आप 20 मई को डाउनलोड कर पाएंगे। इसके बाद जो इसका एंट्रेंस एग्जाम होगा वो 1 और 2 जून को होने वाला है। एंट्रेंस एग्जाम के लिए मध्य प्रदेश में इसका जो एग्जाम सेंटर रहेगा वो IGNTU अमरकंटक के मेन कैंपस में रहेगा। इसके अलावा अनूपपुर, झाबुआ, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, शहडोल और डिंडौरी में भी रहेगा। यहाँ पर मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में जैसे जानकारी दी, आप डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर PhD के कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर आप कोर्स के हिसाब से कितनी यहाँ पर सीट्स हैं उसकी जानकारी आपको इस PDF में मिल जाएगी। इस PDF की लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। जब आप यहाँ पर डाउनलोड करेंगे तो जो भी आप कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कोर्स में कितनी सीट्स है उसकी जानकारी यहाँ पर आप ले पाएंगे। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया ये सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है तो इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे उसमें जनरल और OBC कैंडिडेट्स को ₹300 पे करना होगा। SC ST फिजिकल हैंडीकैप पर्सन को ₹100 पे करना होगा। बात करें एज लिमिट की तो 1 जुलाई 2019 के अकॉर्डिंग आपकी उम्र 22 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी भी डिग्री कोर्सेज मतलब ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आपकी उम्र 22 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आपकी उम्र 27 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। ध्यान रखें, यहाँ पर SC ST फिजिकल हैंडीकैप पर्सन को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अगर आप अंडर ग्रेजुएट मतलब ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा आपका जो 10+2 है मतलब 12वीं क्लास में जनरल और OBC कैंडिडेट्स को 45% लाना होगा तभी आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा SC ST कैंडिडेट्स को 40% लाना होगा। चलिए अब बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न के बारे में। यहाँ पर जो एग्जाम होगा उसमें 100 मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें यहाँ पर अर्थमेटिक के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे और जनरल इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसकी आप तैयारी के लिए RS अग्रवाल या फिर S चंद्र की एक बुक आती है उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। मार्केट में आपको ये बुक मिल जाएगी। अगर आपको मार्केट में बुक नहीं मिलती है तो आप ऑनलाइन भी इसे परचेज कर सकते हैं। उन सभी की लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप इसे परचेज कर पाएंगे और घर बैठे आप इस बुक को मंगा सकते हैं। इसके अलावा अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है उसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं। इसके साथ में उपकार प्रकाशन और किरण प्रकाशन की भी बुक है जिसे आप प्रेफर कर सकते हैं।
ध्यान रखें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों की बुक्स की लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके आप वहाँ से परचेस उसे कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर बाकी कोर्सेज के लिए जो एग्जाम का पैटर्न रहेगा वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। यहाँ पर जो अलग कोर्सेज हैं, जैसे यहाँ पर आप दे सकते हैं बी फार्मा के लिए, इसका एग्जाम का पैटर्न अलग रहेगा और इनका जो क्राइटेरिया है वो भी यहाँ पर अलग रहेगा। तो आप अपने कोर्स के हिसाब से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ में एग्जाम का पैटर्न दे सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं एडमिशन फीस की। तो जैसा कि आप सभी को पता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, तो इसमें फीस काफी कम लगती है। चलिए अब देखते हैं आपको इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। इस वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। जब आप इस पेज पर आएंगे, यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज यहाँ पर ओपन होगा इस तरीके से। यहाँ पर आप दे सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आपको सबसे नीचे ऑप्शन दिखेगा, यहाँ साइन इन के नीचे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, उस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको अपनी पूरी डिटेल्स भरना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने नाम का फर्स्ट नेम इंटर करना है, यहाँ पर आपको मिडिल नेम, यहाँ पर आपको अपना लास्ट नेम, इसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आपका जो जेंडर है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। आपकी जो कैटेगरी है जनरल एससी एसटी ओबीसी वो यहाँ पर आपको देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी देना है, आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, यहाँ से आपको अपना आधार कार्ड देना है। ये सभी डिटेल्स देने के बाद सिंपली आपको रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक मैसेज शो करेगा, रजिस्टर्ड सक्सेसफुली एंड पासवर्ड हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। आपने यहाँ पर जो ईमेल आईडी दिया है उस ईमेल आईडी में पासवर्ड सेंड हो चुका है, आपको वहाँ से अपना पासवर्ड देखना है। पासवर्ड देखने के बाद आपको यहाँ से लॉगिन करना होगा। अब आपको सिंपली यहाँ पर यूजर आईडी में अपना ईमेल आईडी डालना है, जिस ईमेल आईडी को अभी आपने ऐड किया है, और यहाँ पर आपको जो आपके ईमेल आईडी में आपको पासवर्ड मिला हुआ है उस पासवर्ड को यहाँ पर आपको इंटर करना होगा। ये दोनों डिटेल्स भरने के बाद आपको सिंपली साइन इन करना होगा। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो जनरेट हो चुका है। अब आपको सिंपली अप्लाई फॉर एंट्रेंस एप्लीकेशन फॉर्म, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करने के बाद जो भी आपकी डिटेल्स है, आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 12th की जो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपको देना होगा। ध्यान रखें, अगर आपने 12th का एग्जाम अभी दिया है, इसका रिजल्ट अभी नहीं आया है, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा अपीयरिंग का, तो आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। इसके अलावा अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन की जानकारी देना होगा। फॉर्म की डिटेल सबमिट करने के बाद आपको फॉर्म की फीस पे करना होगा। फीस पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पर एक फॉर्म जनरेट हो जाएगा, आप उसको यहाँ से प्रिंट ले पाएंगे। अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।